हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड है। और इससे पहले मैंने हिस्टोलोग्राम का जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो करवाया था। आज जो है हम पाई चार्ट वाला करेंगे। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ और, वो ये कि 30 दिन का जो क्रैश कोर्स हम लाने वाले हैं वो परसों से उसकी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें मैं लगभग 3 टॉपिक जो हैं वो कवर कराऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन का। और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे मैं उसमें डालने वाला हूँ। और जितने भी अपडेट हुआ है सिलेबस, जितने भी नए टॉपिक उसमें आए हैं वो सब के सब आपको उसमें कवर कराए जाएंगे। तो जुड़े रहें चैनल के साथ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले पाई चार्ट से संबंधित कुछ बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। अगर आप पाई चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको प्रतिशत यानी कि परसेंटेज अच्छी तरह से आना चाहिए। और उसके बाद रेशियो, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अनुपात का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। अनुपात क्या होता है, कैसे निकलता है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पहले की वीडियोज़ हमारी ज़रूर देखें, जिसमें मैंने ये सब समझा रखा है। और आपको आना चाहिए एवरेज, औसत क्या होता है, कैसे निकलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो पाई चार्ट होता है, ये आप सर्कल सा जो देख रहे हैं, ये टोटल जो होता है ये होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आधा सर्कल कितना होगा तो वो 180 डिग्री का होगा। और अगर इसका 1/4 मैं आपसे पूछूं, यानी कि ये अगर सर्कल है तो इसका चौथा हिस्सा जो है ये कितना होगा, तो वो 90 डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होता है। और ये पूरा ये सर्कल मिलकर बनता है 360 डिग्री का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस चार्ट में दे क्या रखा है पहले ये समझ लेते हैं। इसमें एक सर्वे हुआ है, कितने लोगों का, यहाँ मैंने लिख रखा है 11,09,060 लोगों का सर्वे किया गया है, कि वो लोग किन किन चीज़ों का सेवन करते हैं, पाइप का कितने लोग करते हैं। तो 36 डिग्री में इसमें दे रखा है, हमेशा डिग्री में देगा आपसे, आपको बीडी 90 डिग्री लोग यानी 90 लोग करते हैं, मैं यहाँ पे लोग बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और 36 लोग जो हैं वो तंबाकू की आदत है उनकी, और 18 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करते हैं, जबकि 180 लोग ऐसे हैं जो सिगरेट का सेवन करते हैं। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है। सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो सिगरेट पीने वाले यहाँ पर कितना कहाँ दे रखा है, तो सिगरेट पीने वाले 180 दे रखा है हमें यहाँ पर, तो हम लिख लेंगे 180। और टोटल मान कितना होता है, मैंने आपको बताया कि पूरे वृत्त का मान कितना होता है, 360, तो मैं 360 लिख लेता हूँ। और मल्टीप्लाई में मैं इसमें 100 नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये प्रतिशत वाला नहीं है, वो हिस्टोलोग्राम में होता था जब मैं यहाँ पर 100 लिखा करता था। तो मैं लिख लिया 180, टोटल होता है 360, और कितने लोगों का सर्वे है, तो 119,060, 11,09,060 लोगों का ये सर्वे है। अब मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, 0 से 0 कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो इस टाइप से कुछ हो जाएगा। और जब मैं इसे 2 से काटूंगा सबको, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 5,9,5,3,0, 5,9,5,3,0, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं पाई चार्ट के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ पीपल अंडर सर्वे हु डू नॉट हैव एनी स्मोकिंग हैबिट, यानी कि सर्वेक्षण के अधीन ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जिन्हें किसी भी प्रकार का धूम्रपान की आदत नहीं है, धूम्रपान की आदत नहीं है। तो देख लेते हैं, तो ऐसे जो हैं वो 18 लोग हैं, या कहें कि 18 डिग्री में ऐसे लोग आते हैं जो किसी भी प्रकार का कोई धूम्रपान नहीं करते हैं। तो हम लिख लेंगे 18, नीचे हम लिखेंगे 360, क्योंकि टोटल जो कोण होता है वो 360 का होता है, और गुणे में क्योंकि हमसे प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम लिख लेंगे 100। सो फिर से उसी तरह 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये कितना बन गया, 1/20,
और गुणे में 100। अब 20 के पहाड़े से एक कट गया, 100 कितना आ गया, 5। तो यानी 5% लोग ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करते हैं। तो आंसर जो है हमारा सी सही हो जाएगा, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग बीड़ी इज, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो बीड़ी पीते हैं। तो कितने कोण में दे रखा है, तो 90 में दे रखा है, तो हम उतार लेंगे 90। टोटल होता है 360 डिग्री, तो नीचे 360 लिख लिया हमने। और मल्टीप्लाई कितने लोगों को सर्वे किया गया, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 11,09,060 लोगों का सर्वे किया गया है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 0 से 0 कट गया, 9 1 9 और 9 4 36 और मल्टीप्लाई 119060। अब जब मैं इसे 4 से काटता हूँ या तो 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 29765। तो 29765 ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा इसमें भी। तो एक चीज़ आपको याद रखें, जब भी कोण में देगा यहाँ पर तो आपको नीचे 360 रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या रखा है, सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या जो है वो पाइप का सेवन करने वाले लोगों से कितना अधिक है। तो सिगरेट पीने वाले लोग कहाँ हैं भाई, तो ये रहे 180 डिग्री, तो मैं लिख लेता हूँ 180। अब यहाँ पर पाइप पीने वाले कितने हैं, तो 36, तो मैं पहले इनमें से घटा देता हूँ क्योंकि हमें पूछ रहा है कितने अधिक हैं, और नीचे मैं लिख लेता हूँ पहले की तरह ही 360। और टोटल यहाँ पे कितने लोग सर्वे किया गया था, 11,09,060 लोगों का सर्वे किया गया था। तो जब मैं 180 से 36 को घटाता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 144, और 360 में बिल्कुल वैसे उतार लूँगा, और 119060 मैंने नीचे उतार लिया। अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके, 0 से पहले मैं 0 काट देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और जब मैं 36 से इसे डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 47624, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में। मैं आपको इसमें सिर्फ बेसिक बताते चल रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना इसी सब क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। और अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने डाटा इंटरप्रिटेशन को अच्छी तरह से समझ लिया। तो अभी मैं पाई चार्ट वाला लेके आया हूँ, उसके बाद जो वीडियो आएगा वो चार्ट के ऊपर होगा जिसमें कुछ डेटा दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहें चैनल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोल रहा है लेट पी बी द परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग सिगरेट पाइप एंड बीडी एज देयर स्मोकिंग मींस एंड क्यू बी द परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग अदर मींस एज देयर स्मोकिंग हैबिट देन पी इज़ मोर देन क्यू बाय। तो यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए पी ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए सिगरेट पाइप और बीड़ी का सेवन करते हैं, और क्यू ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए अन्य किसी उत्पादन का सेवन करता है, तो पी क्यू से अधिक है। तो पी जो है क्यू से अधिक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं पी जो है वो किन किन का सेवन करता है, सिगरेट का। तो सिगरेट का जो दे रखा कितना दे रखा था, 180 डिग्री, और फिर उसके बाद इसमें क्या क्या रखा है, पाइप का, पाइप का कितना दे रखा है प्लस 36 डिग्री, फिर उसके बाद बीड़ी का यानी प्लस 90 डिग्री, और उसके बाद क्यू जो है, क्यू का हमारा दे रखा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, वो किसका सेवन करता है, क्यू, क्यू जो है वो सिर्फ पाइप का सेवन करता है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 36 डिग्री। ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो टोटल जब मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो मेरा आ रहा है 360,
तो जो 360 को मैं लिख लूँगा ऊपर, सॉरी 360 नहीं 306 आ रहा है, 306, तो मैं 306 लिख लिया, माइनस 36 अपॉन में 306 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रतिशत में हमसे पूछ रहा है। और जब मैं इसको 306 से 36 को घटाऊंगा तो जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर वो कुछ इस प्रकार से आएगा, 270 बटे में 360 और गुणे में 100। जीरो से जीरो में काट दूंगा और जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2700 और 36, और जब मैं 36 से 2700 को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 75%। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस कुछ बेसिक रूल को ध्यान में रख करके। और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी तो चैनल के साथ बने रहें, और क्रैश कोर्स पर ज़रूर अपना जो कमेंट है ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है और ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जो नेट का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है और दिन जो हैं वो धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।